5x42 फिट के मकान के बारे में, और जो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसी को हम डिस्कस करेंगे। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 12.5x42 फिट, मतलब 12.5x लगभग और 42 फिट इसकी लंबाई, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे पूरे हाउस प्लान को। और इसका फ्रंट व्यू अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर तो ये है, और इसका टॉप व्यू अगर आप देखें तो टॉप से आपको ऐसा दिखेगा, और साइड में आपके मकान ही बने होंगे तीनों तरफ। तो वो मैंने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है, सिर्फ डिजाइन किया है फ्रंट व्यू और इसका पूरा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, आप बने स्टूडियो में लगातार। और मैं हूं पवन झागले और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आप कोई भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। आप जो भी चाहें, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक मॉडल बनाना तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो हमेशा की तरीके से अब आपको हम ले चलते हैं अपने प्लान पर, और सबसे पहले इसको करेंगे हम ट्रांसपेरेंट। जैसे इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं तो इसकी दीवारें जो भी वो सारी हाइड हो जाती हैं। तो देखिएगा ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है, पूरा डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके। ट्रांसपेरेंसी में दीवारें हाइड होंगी तो फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखेगा, टॉप का आपको ऐसा दिखने वाला है। तो ये पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे जिसका साइज 12.5x42 फिट है। तो जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते हैं तो ये आ जाता है ओरिजिनल पोजीशन पर, और सबसे पहले आप चलेंगे इसके हम ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर चलिएगा तो देखिएगा फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर आपको ऐसा दिखने वाला है। ये इसका मेन डोर है, ऊपर एक विंडो दिया है और ये साइड में भी एक विंडो है। जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बाइक, क्योंकि 12.5 बहुत ही कम एरिया होता है दोस्तों, तो इसमें सारी चीजें एडजस्ट करना काफी डिफिकल्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ बाइक ही पार्क कर पाएंगे, और साइड से आपका स्टेयर्स गई, सीढ़ियां गई हैं, और इस सीढ़ी ये जो कि आपको ऊपर ले जाती है। इसके जस्ट नीचे आप अपना टॉयलेट मैनेज करते हैं, लेटरिन मैनेज कर सकते हैं। बाथरूम मैंने अलग सेपरेट बनाया, सिर्फ यहाँ टॉयलेट और यह बात करें लेटरिन ही क्रिएट किया है, क्योंकि जीने के नीचे प्रॉब्लम्स मिलती है। जैसे आप यहाँ पर, इसके बाद आपको ये स्पेस मिलता है अंदर जाने के लिए, ये लगभग 4.5 फिट का स्पेस है। आप यहाँ से अंदर जाएंगे, ये जो गैलरी से आपको दिख रही है ये 4 फिट की अप्रॉक्स है। सबसे पीछे आपको मिल जाता है एक बेडरूम, जिसमें आपको देखिए कॉर्नर पर मैंने जो भी अलवारी टाइप की बना दी है, और ये आपका एक छज्जा टाइप का निकाल दे, जो भी आपका वेस्ट सामान होता है जो ऊपर रख सकें आप। और ये आपका यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है, ये इसका मेन डोर है, ऊपर आपका विंडो दिया है। अगर हम बात करें इस प्लान की तो देखिए यहाँ पर दो पोर्शन आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि आपका लेटरिन तो बन चुका है लेकिन बाथरूम अभी यहाँ पर कहीं डिजाइन नहीं हुआ है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाथरूम इसको बनाना चाहते हैं इसको। जैसा कि मेरा मानना है आप बाथरूम अंदर वाले को बना लें, क्योंकि बाथरूम में आपको वेंटिलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर बात करें किचन की तो उसमें वेंटिलेशन मतलब हवा जाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें बाहर से देखी जगह, तो यहाँ पर मैंने एक विंडो दे दिया है और ये आपका एक डोर दिया हुआ है। इस डोर से आप जैसे एंटर करते हैं तो ये आपका किचन का काम करेगा, ये आपका बाथरूम का काम करेगा, लेकिन थोड़ा और अलग से ये लगेगा क्योंकि बाथरूम आपका अंदर हुआ जा रहा है और किचन बाहर। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरफ आप लेटरिन या बाथरूम रखना चाहते हैं या किस तरफ किचन रखना चाहते हैं। तो ये जो मैंने रीजन बताया किचन बाहर रखने का, वो है वेंटिलेशन का, हवा जाने क्रॉस होता रहे, क्योंकि किचन खुला नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप इसको किचन बना सकते हैं, इसको बाथरूम। तो सर एक बेडरूम मिलता है, लेटरिन और ये लेटरिन मिल जाता है, ये बाथरूम, ये आपका किचन और स्टेयर्स, फुल मकान का जो भी चीजें होती है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाती है प्रॉपर तरीके से। अब अगर हम इसके लिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से देखिएगा आप ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है फर्स्ट फ्लोर। और फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से आते हैं तो सबसे पहले पीछे सेम टू सेम बेडरूम मिलता है, और ये आपको मिल जाता है एक छोटा सा रूम और जिसका साइज लगभग 8 फिट चौड़ाई, 7.5 फिट चौड़ाई, और लंबाई की बात करें तो 12 फिट है लंबाई, 12 फिट है। ये आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं अगर नीचे बनाना चाहे तो, वो चीजें आप ऊपर एडजस्ट कर दें, लेटरिन बाथरूम और आपका किचन, और यहाँ नीचे वाला गेस्ट रूम बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको भी डिजाइन कर सकते हैं। इस वाले रूम के लिए ये आपका डोर दिया है, और इस रूम के लिए ये डोर है, ये एक साइड से विंडो है। अगर आप साइड से ये विंडो ना देना चाहें तो फ्रंट से भी विंडो दे सकते हैं, खिड़की दे सकते हैं यहाँ से। और आपका ये जो दिख रहा है ये पोर्शन, ये आपका मैंने किचन डिजाइन कर दिया, अगर आप चाहें तो, आप पे डिपेंड करता है, ये आपका किचन है। और ये 2.5 फिट का अप्रॉक्स यहाँ पर आपको छज्जा या बालकनी मिल जाती है, और ये सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट, झरोके टाइप के आप देख रहे हो, सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है, वो आप पे डिपेंड करता है लगवाना चाहते हैं या नहीं। और इस डोर से आप बालकनी पर आ सकते हैं।
तो ये पूरा डिजाइन हो गया फर्स्ट फ्लोर का। अब हम चलते हैं इसके लास्ट फ्लोर पर। ये देखिए लास्ट फ्लोर है, सिर्फ चारों तरफ बाउंड्री है और ये स्टेयर्स को ढक दिया है मैंने। तो ये पूरा डिजाइन था जिसका साइज था 12.5 मल्टीप्लाई 40। और इसका दोस्तों एग्जैक्ट डायमेंशन अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें जिसका नाम है smallhouseplan.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर मल्टीपल्स हाउस आपको मिल जाते हैं, देखिएगा। और मात्र 99 रुपीज में आप इसको परचेज करके इसका 2D और 3D इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।